हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसमें कि आपका आज का जो पेपर था वो लीक हो गया था और ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे। आगरा में बीएससी के दो पेपर आउट हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निरस्त की परीक्षा और जांच के लिए टीम जो है गठित कर दी है। यहां पर ये पूरी चीज़ें आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। अब इस परीक्षा को कब करवाया जाएगा उसके संबंध में भी यहां पर एक नोटिस आ चुका है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर किसी के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे आज का ही नोटिस है जिसमें कि जो परीक्षाएँ आज रद्द करी गई हैं, ये जो परीक्षाएँ हैं वे 20 तारीख को आपकी आयोजित करी जाएंगी। यानी कि बीएससी थर्ड ईयर की जूलॉजी सेकंड पेपर 11:30 बजे से आपका 1:30 बजे तक होने वाला था, ये निरस्त कर दी गई है परीक्षाएं। अब ये जो पेपर है आपका मंडे यानी कि 20 तारीख को होने वाला है, बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स सेकंड पेपर, ये आपका रद्द किया गया है। ये भी आपका 20 तारीख को होने वाला है। उसके बाद बीएससी सेकंड ईयर का जूलॉजी सेकंड पेपर 3 से 5 का जो पेपर था ये भी 20 तारीख को होने वाला है। और उसके बाद बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स सेकंड पेपर जो है 3 से 5 बजे तक जो आपका होने वाला था 11 तारीख को ही हुआ था और ये भी रद्द कर दिया गया है। ये भी आपका 20 तारीख को होने वाला है। तो ये है पूरा अपडेट, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। ये हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। आज दिनांक 11/5/2022 की बीएससी की जो परीक्षाएं वो निरस्त करी गई हैं। अब ये जो परीक्षाएं हैं 20 तारीख को होने वाली है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर कर दें सभी जगह पर। और ये देखिए एक ऑफिशियल जो कि एबीपी गंगा की तरफ से यहाँ पर ये दिया गया है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। आगरा कॉलेज की बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर है वो लीक हुआ है, तो ऑफिशियल अपडेट ये। बाकी ये परीक्षा आपकी 20 तारीख को करवाई जाएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले दी जाती है। भाई आप लोग जो जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को पता होगा, आप अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करना।